देश को स्वस्थ भविष्य की ओर लेके जाने के उद्देश्य से स्मार्ट सिटी धर्मशाला में साइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें 77 के करीब युवाओं ने भाग लिया। रैली में प्रथम स्थान अजय ने हासिल किया, जिन्हें 15,000 रुपये इनाम दिया गया। वहीं तंजेन ने दूसरा और प्रतीक ने तीसरा स्थान हासिल किया। रैली को हरी झंडी दिखाकर धर्मशाला के विधायक विशाल नेहरिया ने रवाना किया। रैली गांधी पार्क धर्मशाला से शुरू होकर कोतवाली बाजार खनियारा सीक्रेट हार्ट चौक से होते हुए खेल परिसर धर्मशाला में संपन्न हुई, जहां पर विजेता प्रतिभागियों को नगद पुरस्कार देकर भी नवाजा गया। वहीं अन्य प्रतिभागियों को सर्टिफिकेट भी दिए गए। साइकिल रैली में 12 साल के बच्चों से लेकर युवाओं सहित 65 वर्ष के व्यक्ति ने भी भाग लिया। रैली को लेकर युवाओं में खासा क्रेज भी देखने को मिला। नगर निगम धर्मशाला के मेयर देवेंद्र जग्गी ने कहा कि केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय की ओर से इंडिया साइकिल्स फॉर चेंज शुरू किया गया है, जो स्मार्ट सिटी में भी आयोजित किया गया। इससे पहले भी मकलोडगंज में इस तरह की रैली की गई थी। लगभग 11 किलोमीटर ट्रैक रैली के लिए तय किया गया था। बड़े ट्रैक के साथ साथ छोटे ट्रैक भी बनाए गए थे। लगभग 77 के करीब प्रतिभागियों ने इसके लिए अप्लाई किया था और सभी लोगों ने रैली में भाग लिया। देखिए, कोविड के चलते जो लोगों का एक तो सेहत का जो ख्याल रखना था उसके तहत, और एक जो ट्रांसपोर्टेशन की कमी जो आई, जो लोग लॉकडाउन के चलते अनलॉकडाउन में जो लोग अपने काम के लिए अपने कारोबार के लिए बाहर जा रहे थे, जिन लोगों ने साइकिल का प्रयोग किया, तो ये माना गया है कि ट्रांसपोर्टेशन के ना चलते साइकिल का प्रयोग बहुत सारे लोगों ने किया। तो मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट ने एक साइकिल इंडिया साइकिल फॉर चेंज चैलेंज का आयोजन किया गया, जिसमें जितनी भी स्मार्ट सिटीज़ हैं उनमें साइकिल को प्रमोट करने के लिए ये आयोजन रखा गया था। तो धर्मशाला स्मार्ट सिटी ने ये सेकंड राउंड में, पहले मैकलोडगंज में और ये सेकंड राउंड में इसका रेस का आयोजन रखा गया, जिसके तहत ये लोग 10 या 11 किलोमीटर के बीच इन्होंने सारा ट्रैक कंप्लीट करके यहाँ सारे प्रतिभागी पहुँचे हैं। और देखने में ये आया है कि बहुत सारे लोगों में से अपना आयोजन में अपना पार्टिसिपेशन उन्होंने की है और बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला है। तो इसके चलते स्मार्ट सिटी धर्मशाला ने कुछ साइकिल ट्रैक बनाने का भी आगे प्रपोजल है। दो बड़े ट्रैक जो हैं वो एक तो भागसुनाग मैकलोडगंज की तरफ से हैं, और छोटे ट्रैक जो हैं वो हम लोग खनियारा और श्यामनगर से दाढ़ी तक बनाने जा रहे हैं। तो इसी को प्रमोट करने के लिए इस रैली का आयोजन किया गया था। देखिए, जो फर्स्ट प्राइज़ था उनको 15,000 रुपया दिया गया, और जो सेकंड थे उनको 10,000, और जो थर्ड प्राइज़ था उसको 5,000 रखा गया था। और जितने भी पार्टिसिपेंट थे उनको सर्टिफिकेट दिए गए हैं और मोमेंटो दिए गए। देखिए, 77 लोगों ने इसमें अप्लाई किया था और लगभग सभी लोग यहाँ पहुँचे थे। धर्मशाला के विधायक विशाल नेहरिया ने कहा कि इंडिया साइकिल्स फॉर चेंज का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। रैली का उद्देश्य खुद को स्वस्थ रखें और समाज को भी स्वस्थ रहने के प्रति प्रेरित करें। इसके माध्यम से पर्यावरण को भी स्वच्छ रखने का संदेश दिया गया। उन्होंने कहा कि फिट इंडिया मुहिम पूरे देश में चलाई जा रही है और प्रधानमंत्री के आह्वान पर सभी लोग इससे जुड़ भी रहे हैं। आज धर्मशाला में साइकिल्स फॉर चैलेंज का आयोजन किया गया। हमारे धर्मशाला के बहुत सारे युवा साथियों ने, कुछ एक बुजुर्गों ने भी उसमें हिस्सा लिया। इस साइकिलिंग रेस का एक ही उद्देश्य है कि हम अपने आप को स्वयं स्वस्थ रखें और समाज को भी एक स्वस्थ रहने का संदेश दे सकें। साइकिलिंग से बहुत सारे बेनिफिट अपने व्यक्तिगत जीवन के साथ साथ पर्यावरण में भी हैं। हम लोग पर्यावरण को भी स्वच्छ रखने का एक सीधा संदेश यहाँ से दे रहे हैं, क्योंकि आजकल आधुनिकी तकनीकी का प्रयोग हो रहा है, बहुत सारे ईंधन वाले वाहनों का प्रयोग यहाँ पर होता है। तो ऐसे में हमारा एक दायित्व ये भी रहता है कि हम पर्यावरण को भी सुरक्षित रख सकें। आज फिट इंडिया मुहिम पूरे देश में चल रही है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एक मैसेज दे रहे हैं कि फिट इंडिया के तहत जो मुहिम चली है उसमें आप जुड़िए, अपने आप को स्वस्थ रखें, अपने समाज को स्वस्थ रखें, अपने परिवार को स्वस्थ रखें, और किसी न किसी एक्सरसाइज में, किसी न किसी स्पोर्ट्स में जरूर आप हिस्सा लें। और साइकिलिंग एक ऐसा जरिया है जहां पर हम अपने आप को स्वस्थ रखते हैं और साथ साथ में अपने पर्यावरण को भी सुरक्षित रखते हैं। आज
जो धर्मशाला में आयोजन हुआ है इसमें बहुत सारे प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, उसमें जो विजेता रहने वाले हैं उसको यहाँ पर हम लोग नगर निगम के माध्यम से हम लोग पुरस्कार भी देंगे, उनको सम्मानित करेंगे, ताकि उनमें एक जो पार्टिसिपेट करने का एक जो है मतलब इंटरेस्ट जो है और ज़्यादा बढ़ सके, ताकि एक मैसेज समाज में जाए कि यहाँ पर हम लोग इस अगर साइकिलिंग में हिस्सा लेते हैं तो कोई ना कोई उपहार भी हम लोगों को ज़रूर मिल रहा है। एक तो स्वास्थ्य को हम लोग तो अपने लाभ दे रहे हैं, साथ साथ में यहाँ पर जो है उनके सम्मानित भी किया जा रहा है।